तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पार्क स्टडी पॉइंट पे। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है 2022 में, जो भी छात्र मैट्रिक का परीक्षा देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और ऐसे ही खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर जरूर बने रहें। तो आइए इस खबर को जानते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि बिहार बोर्ड में 10th के बाद भी एडमिशन बहुत बढ़ गया है, कि CBSE से भी छात्र 60% छात्र बिहार बोर्ड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड ने अपना काफ़ी सिस्टम में सुधार लाया है। जहाँ तक रिजल्ट की बात हो, चाहे वो कोरोना में एग्जाम कंडक्ट कराने की बात हो या कुछ हो, तो सबसे पहले देश में किसी बोर्ड के यदि रिजल्ट जारी होता है तो वो है आपका बिहार बोर्ड। तो ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात भी है दोस्तों। और चलिए कि बिहार बोर्ड ऐसे अच्छे कदम उठा रहा है और छात्रों को भी और सुविधा बढ़ाते आ रहा है। और जहाँ तक कि दोस्तों त्रुटि की बात है तो वो बिहार बोर्ड में अब काफ़ी कम हो गई है, समझिए कि ना के बराबर हो गई, या फिर कहीं त्रुटि हो भी जाती है तो बिहार बोर्ड से सुधारने का बहुत जल्दी फायदा है। तो आज भी ऐसा ही कदम एक बिहार बोर्ड ने उठाया है, इसे बहुत ही सराहा गया। तो आइए इस खबर को पढ़ते हैं। तो मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में दृष्टिपथ विद्यार्थी, यानी कि जिन दृष्टिबाधित विद्यार्थी को विज्ञान स्थान पर संगीत एवं गणित के स्थान पर गृह विज्ञान की परीक्षा में शामिल होना होता है, अतः मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए भरे गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म के आधार पर समिति द्वारा जारी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में जिन दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के विवरण में कोई त्रुटि रखी, जी हाँ दोस्तों, मतलब कोई गलती हुई, गलती से कुछ और भर दिए या फिर हो सकता है बोर्ड की तरफ से गलती हो, उनके लिए बिहार बोर्ड ने आपको फिर से एक बार मौका दिया। या विषय उक्त नियम के अनुसार नहीं है, मतलब कि विषय यदि अपने मन से नहीं चल पाया या फिर कोई बदलाव करना है तो ऐसे मामले में भी शिक्षा संस्थान के प्रधान द्वारा विशेष ध्यान देकर निर्धारित अवधि अर्थात दिनांक 5/8/2021 तक त्रुटि में सुधार करना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, आखिरी लास्ट डेट इसका आपका 5/8/2021। यदि आपसे भी कोई त्रुटि रह गई है या फिर कोई भी ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी हैं या फिर जिन्हें कोई दिक्कत है, उनका कोई गलती से सब्जेक्ट भरा गया हो या फिर उन्हें अपने सब्जेक्ट में कुछ चेंज करना हो, तो वो अपने विद्यालय प्रधान से जाके ऐसी मांग कर सकते हैं या फिर उन्हें एप्लीकेशन दे सकते हैं और वहाँ से वो आपको बोर्ड की तरफ भेज के आपका आपको जो भी सब्जेक्ट फिर से चाहिए होगा या फिर किसी कोई भी बदलाव करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं। तो आशा करूँ दोस्तों आपको थॉट बहुत अच्छी लगेगा। अगर आपको थोड़ा अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों चैनल को और हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे लेटेस्ट अपडेट। आपको यदि और भी कोई दिक्कत हो, कोई त्रुटि रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं और फीडबैक जरूर दे दोस्तों अपना, और किस हिसाब से आपके लिए वीडियो है, प्रिपरेशन रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।